अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है फौला खलील और आप देख रहे हो मेरा चैनल। आज हम लोग इम्तियाज़ महल जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी मैं साथ में लेकर जाती हूँ। ये देखिए मेरा दोस्त भी इधर है, मैं इनसे बाद में नंबर लूँगी। अच्छा, मैं इनसे नंबर भी लूँगी और मैं अभी इम्तियाज़ महल जा रही हूँ, आप लोगों को भी लेकर जाऊँगी। बहुत मज़ा आता है, इतवार का दिन भी है और हफ्ते को तो इतना टाइम भी नहीं मिलता। मेरा स्कूल भी है, मैं हाफिज़ हूँ और मेरी जो स्कूल है वो अभी मैं हिफ्ज़ करूँ। जब मेरा वो कुरान ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं आम स्कूलों में पढ़ूँगी। तो अभी हम लोग आपको लेकर जाते हैं इम्तियाज़ महल पर। तो आप लोगों को पता भी है कि मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि इतवार का दिन है, फैमिली के साथ भी होते हैं बंदा, और आम रूटीन में भी इतना टाइम नहीं मिलता। मैं आम रूटीन 3:30 बजे मैं स्कूल से आती हूँ और 8-7 बजे मैं जाती हूँ घर से, और सुबह के 7-4 बजे मैं उठती हूँ और 7 बजे पर यूनिफॉर्म चेंज करना होता है, 7 बजे पर मैं जाती हूँ, फिर 3:30 बजे मैं आती हूँ, फिर उधर से ही यूनिफॉर्म में ही मैं ट्यूशन चली जाती हूँ। ऐसे ही मेरे कभी कभी चार बजे कभी मैं वो हो जाती हूँ, कभी मैं 5 बजे खाना होता हूँ, कभी फिर मेरी बहन भाइयों का इंग्लिश लैंग्वेज भी है, तो फिर मैं उधर से घर जाती हूँ। उधर से घर जाने के बाद बहुत काम होते हैं, मिसाई भी होते हैं। तो अभी आप लोगों का मेरा वो घर का भी नहीं पता होगा, मेरा घर अंदर से कैसा है, मैं आपको एक ना एक दिन दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मैं हूँ तो आप लोग को भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए फलस्तीनियों के बारे में। तो फलस्तीनी है, देखिए हम मुसलमान तो हम लोग हैं, अगर एक नमाज़ों पर ये इसराइल, अगर हम लोग फलस्तीनी होते वो इसराइली होते, वो इसराइल वाले, तो फिर हम क्या करते। जैसे वो मेरी जितने बच्चे हैं, मेरी बहन जितनी बच्चे हैं, 1 साल के बच्चे, 2 माह के बच्चे, उनको मारा जा रहा है। तो आप लोग भी तावन करें हमारे साथ, और हम लोग बहुत खुशकिस्मत होंगे जिसने तावन किया। आप लोग आवाज़ उठाएं उनके लिए। तो देखिए, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, और भी हो गया, कोको कोला, पेप्सी, तो ये ना हमारे ब्रांड नहीं है, ये उनके ब्रांड, ये है इसराइलियों की ब्रांड। तो जो बड़े बड़े मिसाइल हैं ना, ये इन्हीं पैसों पर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भी कोशिश करें कि ये ना खाए और ना ही पिए। तो नेस्ले पानी हो गया, और बहुत सी चीज़ें जो उनकी है, हमारी नहीं है, लेस भी उनके हैं कम, बट जो भी लेस का शौकीन होता है ना, उनको एक ना एक दिन छोड़ देना होता है। जैसे कि अब समझे मैं, अभी तो मैं 10 या 9 साल की हूँ, अब मेरी ना 4 साल से आदत डल गई है लेस, तो जब मैं बड़ी होगी 20 साल की हो जाऊँगी या कितने साल की हूँ, तो फिर भी आदत तो ख़त्म करनी होगी ना। अब ज़िंदगी का तो बिल्कुल नहीं पता, क्या पता कि मैं 1 घंटे बाद का भी मुझे नहीं पता, 1 मिनट के बाद भी मुझे नहीं पता कि 1 मिनट के बाद मेरे साथ क्या होने वाला। तो आप लोग भी कोशिश करें कि माफ़िया मांगे अल्लाह से, और दुआ करें और 5 वक्त की नमाजी बन जाए, ताकि आप लोगों का आने वाले वक्त का ना मुश्किल ना हो। वजू करें, नमाज पढ़ें, रोज़े करें, और भी बहुत चीज़ें करें। तो चले, बातें तो बहुत होगी, अब आगे जाते हैं। मैं भी एक दफ़ा बात शुरू कर ली ना, अभी ख़त्म नहीं करती। मेरे बाबा भी ऐसे हैं, बहुत मतलब पहली बात हम लोग एक बात चलने लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। आ जाओ चलते हैं। जो मेरा चैनल है वो तो ऐसे नहीं चलना था, इस वजह से नहीं है मुझे चलवाया। मेरे भाई को भी वो होता है, मेरे भाई भी नहीं कर सकता ये बातें करना। ये पूरे हम लोग फैमिली में ना 5 बार
और बैन कर रहे हैं लोग, तो इसलिए हम लोग हम उनमें से ना मैं ही बातें कर सकती हूँ बाबा बात। तो एक ना एक दिन तो मुझे बड़ा होना ही है ना, कौन सा भी जिंदगी भर के लिए मैं छोटी ही रहूँगी। मैं हाँ बहन भाइयों में से छोटी हूँ लेकिन इतनी भी नहीं, मतलब फिर भी एक ना एक दिन बड़े ही होंगे। चले आपको अभी मैं आगे लेकर जाती, ये देखिए मेरा दोस्त पीछे नंबर, ये मेरे फैन है, ये देखिए मेरा फैन, ये भी मेरा फैन, ये भी है मेरे सब फैन है। तो चले आए मेरे बाबा ना वो गाड़ी में आए थे लेकिन गाड़ी वापस घर में छोड़ दे तो मोटरसाइकिल पे आए। कुछ भी यार, चले तो आगे बढ़ते रहो। इम्तियाज मौजी नजदीक हो गया, मैंने आपको अपनी शक्ल ये जो विलास होते हैं मेरे होता है, मैंने ना उनमें से ना पहली दफ़ा अपनी शक्ल दिखाई है आप लोगों को। और मैं चलते चलते इस वजह से मनाती हूँ क्योंकि गाड़ी में बहन भी होती है, भाई भी हो, भाई नहीं अम्मी भी होती है, पर्दा करते हैं। फिर तो जाओ मेरे बाबा ने मना भी किया कि अपनी अम्मी और वो बहन को नहीं लेता हूँ। मेरा वो छोटू सा कज़न भी आया था एक दफ़ा, तो तब भी मुझे बाबा ने मना किया था, बस मुझे मैंने तब से ही ब्लॉग बनाया सच बोलने का। मैंने एक दफ़ा मैं अपने कज़न के साथ गाई गई थी ना, तो उधर से मुझे उससे पहले भी मुझे शौक था, उधर से मुझे फिर शौक हो गया। मतलब मैं वो होती थी ना, मैं करती थी उधर ही ब्लॉग, लेकिन वो मुझे नहीं पता वो नहीं आई वो मुझे। तो वो बोलते ना आप इतना भी नहीं कर सकते, तो अब तब से जब हम लोग दामन को गए थे ना तो तब मैंने बनाना शुरू किया। मुझे जितना पता है ना मैं उतना आपको अभी बोल ली, अगर ना बोलती ना तो पता नहीं क्या होता। आप लोग कमेंट में बता रहे आप लोग कमेंट में बता रहे थे कि आप लोग क्या बनेंगे, मैं आ रही हूँ।